हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा है कि हम लोग जाने वाले हैं मेरे मायके यानी कि अकोट। और बहुत लोगों ने पूछा था कि मेरा मायका कौन सा है, कौन सा गांव है, तो अकोट है महाराष्ट्र में, तो वहां पर मेरा मायका है। और बस इस तरह से रेडी हुई हूँ, ये वाला ड्रेस पहना है जो आपने मराठी चैनल पे देखा हुआ था। तो बस अभी वहां पर जाएंगे और वहां पर हम लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली भाभी बहुत दिनों से बुला रही थी और उनका था कि मैं एनिवर्सरी पे वहां पे जाऊँ, बट इस लॉकडाउन की वजह से वहां पर मतलब जाना ही नहीं हुआ। तो फाइनली अभी उन लोगों का कॉल आ रहा था, सुबह भी बहुत बार कॉल आ गया, तो इनको बोला कि एक दिन के लिए चले जाते हैं वहां पे। तो इन्होंने थोड़ा सा, इनके फ्रेंड वगैरह है उधर, तो उनको पूछा, फिर यहाँ पर पूछा कि मतलब जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो उन्होंने बोला कि जा सकते हो। तो इसी वजह से फिर हम लोग जा रहे हैं फाइनली और वहां पर हमारे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो जो भी होगा वो आगे आप वहां पर ही देख लेना, जो भी हम लोग जो भी करेंगे सेलिब्रेशन वगैरह, तो वहां पर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए निकलते हैं, अभी बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी, अभी तक ड्यूटी से आए नहीं थे, अभी 3 बजे ड्यूटी से आए हैं, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और अभी फाइनली निकल रहे हैं। वो लोग वेट भी कर रहे हैं घर वाले, अभी 2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से जाने का, तो वहां पर जाएंगे और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। फाइनली गाइज निकल चुके हैं हम लोग, बहुत लेट हो जाता है घर से ही निकलने के लिए। एक तो इनकी ड्यूटी बहुत लेट, मतलब घर पे आए ये, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, फिर बहुत लेट हो गया और फाइनली जा रहे हैं, है ना अद्वि माही, फाइनली जा रहे हैं मामा के घर। और हाँ, ये एक्साइटेड हो या नहीं हो आप अपने ससुराल जाने के लिए? इतने दिनों से मैं तो नहीं बोलती हूँ मेरे मायके जाने के लिए, लेकिन यही बोलते रहते चलो ना चलो ना, लेकिन इनको ही टाइम नहीं मिलता है। मतलब मैं तो भी टाइम निकाल लूँ अपने यहाँ से, मतलब अपनी जॉब से, बट इनकी जॉब से इनको टाइम नहीं मिलता है। बट इनको बहुत याद आती है, कभी मेरी मम्मी की याद आती है, कभी मेरे घर वालों की याद, सभी की याद आती है। तो ये वहाँ पर ड्यूटी पे रह के वहाँ पर उनको कॉल करते रहते हैं, मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता है। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे और मिल लेंगे ये भी अपने ससुराल वालों से, है ना। जाने के बाद आप देख ही लोगे सब। हाँ, जाने के बाद, वहाँ पर जाने के बाद तो देख ही लोगे। हाँ, हम रोड पे चल रहे हैं, लेकिन अकोट में पहुंच गए हैं ना हम लोग, बस मतलब घर नहीं आया है अभी तक, बट पहुंच तो गए हैं ना। कहाँ नहीं, ये रास्ते अकोट के, हाँ घर नहीं आया है बट पहुंच गए हैं, घर जल्दी आने वाला है। तो अभी करने वाली हूँ मैं मेकअप, एक्चुअली अभी क्लिंजिंग और टोनिंग हो गई है। एक मिनट पैन ऑफ कर देती हूँ, यार आवाज आएगी आपको वीडियो में। तो क्लिंजिंग और टोनिंग तो हो गई है, अभी मैं करने वाली हूँ अपने स्किन को मॉइस्चराइज। तो उससे पहले ना मैं यूज करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स का टी ट्री मलबरी ये सीरम। एक्चुअली ये जो टी ट्री सीरम है ना, ये अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट सीरम है। मतलब जिनको एक्ने बहुत ज्यादा आते हैं, जिनको बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये जो सीरम है ना वो बेस्ट सीरम है। तो वो ये वाला सीरम यूज कर सकते हैं, मतलब अपना मेकअप करने से पहले उनको मेकअप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी ऐसी स्किन है ना तो आपको मेकअप से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसके केमिकल से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी पिंपल्स बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से ये वाला सीरम अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये है टी ट्री एंड मलबरी, आपको पता है दिख रहा है या नहीं लाइटिंग की वजह से। तो टी ट्री एंड मलबरी गुड वाइब्स का ये आप सीरम यूज कर सकते हो। और हाँ, जो भी प्रोडक्ट मैं अभी यूज करने वाली हूँ ना, उन सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। अभी आपको बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में ये सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है पर्पल पे सेल। 28 अप्रैल तक 10,000 लकी विनर्स को 5 लाख तक का कैशबैक मिल सकता है, और 26 अप्रैल से 27 अप्रैल तक है हेयर स्टेशन सेल, तो आप उस सेल का भी फायदा उठा सकते हो। उस सेल में आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मैं मेकअप करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैंने सीरम अप्लाई किया है, उसके बाद मैं करूंगी मॉइस्चराइज अपने फेस को। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वायम आयुर्वेदा की कुमकुम आदि फेस क्रीम, तो इससे मैं अप्लाई कर लूंगी थोड़ा सा बस। उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ ये प्राइमर जो है एनवाईबे का, तो ये है ब्राइटनिंग प्राइमर एनवाईबे का। वैसे इससे पहले मैं बहुत बार एनवाईबे का प्राइमर यूज कर चुकी हूँ,
बहुत ज्यादा अच्छा है इनका प्राइमर, बहुत अच्छे से आपके जो ओपन पोर्स है उसे मिनिमाइज कर देता है, ब्लर आउट कर देता है और अच्छे से स्मूथ सरफेस कर देता है आपका। तो इससे आपका जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छे से ग्लाइड होता है और बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेस दिखता है। इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ ये मेरा मैक का फाउंडेशन। आज मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज करने वाली हूँ, इसका फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं कि कैसा है। इसे यूज करने से मुझे पता चल जाएगा अब कि इसे मुझे यूज करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वैसे मैक का फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, इतना मैंने सुना था इसके बारे में, तभी जाके इतने पैसे खर्च करके मैंने ये वाला फाउंडेशन लिया है। ये है 2900 का, इतना महंगा फाउंडेशन मैंने इसी चक्कर में लिया है क्योंकि मुझे इसको ट्राई करना था, मैंने इतना सुना था इसके बारे में, फाइनली मेरे पास आ गया। क्योंकि मेरी सिटी में तो ये नहीं मिलता मुझे, बट मुझे ऑनलाइन मिल गया। फाइनली मैंने ये NC42 ये शेड लिया है। अभी देखते हैं कि ये मेरी स्किन टोन से मैच होता है या मेरी स्किन टोन पे डार्क है या मेरी स्किन टोन पे लाइट है, चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं अप्लाई करती हूँ ये ब्लू हैन का लिप बाम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। जब तक मैं अपना मेकअप करूंगी तब तक ये मेरे लिप्स मॉइस्चराइज हो जाएंगे। तो ब्यूटी ब्लेंडर को वेट ही नहीं किया है, अभी इसे मुझे लेना पड़ेगा अपने बैक ऑफ द हैंड पे। और इसे अप्लाई करके देखती हूँ अभी। और मुझे ज्यादा नहीं अप्लाई करना है क्योंकि मुझे फुल कवरेज नहीं चाहिए, मुझे एकदम से मीडियम सी कवरेज चाहिए क्योंकि घर पे ही रहना है। बट मुझे अच्छे से रेडी होना था क्योंकि घर पे रह के भी हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं कोई भी चीज़, तो मुझे मेरी एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट करनी है। बस यहाँ पर अच्छे से डब डक करके ब्लेंड कर लूंगी, इससे बहुत ज्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है यार। ओह माय गॉड, अब देख सकते हो आपके सामने ही रिजल्ट है इसका, मुझे लगा भी नहीं था। ओह माय गॉड, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है मुझे इसे ब्लेंड करने के लिए। इसके बारे में मैंने जो भी सुना था बहुत ही अच्छा सुना था, और ये खरा उतरा है उस पे। माय गॉड, आप देख सकते हो ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा मुझे और कितने अच्छे से और कितनी जल्दी ब्लेंड हो गया ये। अभी मैं इसे नेक पे भी अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि फेस अलग और नेक अलग लगेगी, इसी वजह से अभी नेक पे भी अप्लाई कर लेती हूँ इसे। नहीं, जल्दी ब्लेंड होता है ना, बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता इसको ब्लेंड करने के लिए और बहुत ही अच्छे स्किन में ऐसा लगता है कि आपकी सेकेंड स्किन ही है ये। सच में बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो NC42 है ना, मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, हल्का सा डार्क है। अगर मैं NC40 लेती ना तो मेरे स्किन टोन से अच्छे से मैच हो जाता, बट अगर मैं टैन हो जाऊँ ना थोड़ी सी, अभी घर पे रह रही हूँ तो अच्छे से हो सकता है कि अभी मैंने जो स्किन केयर रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है उसकी वजह से भी हो सकता है। बट मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है, थोड़ा सा हल्का सा। अगर मैं NC40 लेती ना तो हो जाता। चलिए ये भी, मतलब आपको पता नहीं चल रहा है वैसे, अगर मैं नाइट के फंक्शन में इसे लगा के जाऊंगी ना तो इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि इस पे मैं क्या बोलते हैं कॉम्पैक्ट वगैरह अप्लाई करूंगी, या इससे पता नहीं चलेगा इतना। बट थोड़ा सा अगर डे के फंक्शन के लिए मैं इसे यूज करूंगी तो ऐसा लगता है मुझे कि ये थोड़ा सा डार्क लग सकता है। इस पे मैं यूज करने वाली हूँ ये कॉम्पैक्ट लैक्मे का सन एक्सपर्ट SPF 40+++। इसे मैं अभी इसे सेट कर लेती हूँ। वाह यार, सच में
ये फाउंडेशन तो इसने तो मुझे बिल्कुल इम्प्रेस कर दिया है। मतलब इतना फ्लॉलेस मेरा जो बेस मेकअप है इससे पहले कभी नहीं लगा है। इतने ज़्यादा फ्लॉलेस लुक के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता था, बट इतनी जल्दी और इतने लेस एफर्ट में ये इतना फ्लॉलेस बेस मेकअप मेरा हो गया है। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ ये शिवाना का अल्ट्रा ब्लश पैलेट, तो इसमें से मैं लेने वाली हूँ ये वाला पिंक शेड, जिससे मैं अपना आई शेडो लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा मतलब एकदम भर भर के आई शेडो नहीं लगाना है। इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा लाइट लाइट आई शेडो लगाने वाली हूँ, क्योंकि घर पे ही रहना है और इसी की वजह से मुझे एकदम सा लाइट शेड चाहिए था आई शेडो के लिए, तो एकदम लाइट वाला आई शेडो लगाने वाली हूँ मैं इससे। इसी शेड को मैं ब्लश के लिए भी यूज़ करने वाली हूँ, बस बहुत ही ज़्यादा हल्का हल्का मुझे चाहिए ये वाला शेड। उसके बाद इसी शेड को मैं ब्लश के लिए भी यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, बट मुझे जो मेरा बेस मेकअप है ना आज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यार। उसके बाद मैं कॉन्टर के लिए भी इसमें से ही ये वाला शेड यूज करने वाली हूँ। उसके बाद मैं यूज करूंगी काजल के लिए ये एसक्यू की आई लव यू टू काजल, इसे मैं अपने लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पे लगा लूंगी। उसके बाद मैं ये वेगा के आईलैश कर्ल से अपने आईलैश को कर्ल करूंगी और इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ मस्कारा। एक्चुअली आईलैश कर्ल से ना बहुत अच्छे से लैश कर्ल हो जाते हैं, और उसके बाद जो मस्कारा आप अप्लाई करते हो उससे बहुत ही अच्छे से वॉल्यूम मिलता है। ये है मेबलिन का कोलेसोल मस्कारा, बाद मैं ये वाला अप्लाई करने वाली हूँ और आप फर्क देख लेना। आप देख सकते हो और ये वाला आप देख सकते हो, एक ही कोड अप्लाई किया है मैंने अभी तक। ये इतना अच्छा सा मस्कारा लग गया है, और वैसे मस्कारा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आप देखो और ये वाला देखो आप। ये देख सकते हो आप मस्कारा, बहुत ज़्यादा अच्छा मस्कारा है। इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ, ओ सॉरी मैं आईलाइनर लगाना भूल गई। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ ये आईलाइनर, तो ये है शक्ति का आईलाइनर NYB का, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उस दिन मैंने अप्लाई किया ना, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये मैं अप्लाई करने वाली हूँ अब। उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबलिन की सुपरस्टे मैट इंक लिपस्टिक, ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मतलब जब भी आप पूछोगे ना मेरी लिपस्टिक फेवरेट कौन सी है, मतलब मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक, वो यही मैं बोलूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ना, आपको क्या बताऊँ। मतलब जब तक आप अपने खुद से नहीं उतारोगे ना इसे, तब तक ये नहीं निकलेगी। इतनी ज़्यादा मतलब आपके लिप्स को पैक करके रख दिए, ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब खुद से आपको निकालना पड़ेगा इसे, और बहुत अच्छे से निकालना पड़ेगा तब जाके ये निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलने वाली। ये आज का मेरा जो आउटफिट है ना उस पर मैच होती है ये लिपस्टिक, इसी वजह से ये अप्लाई कर रही हूँ मैं। आउटफिट आप बाद में देख लोगे, ये वाला नहीं है, दूसरा है। तो फाइनली डन हो गया है मेरा मेकअप, और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस अभी ड्रेस चेंज करने वाली हूँ और ड्रेस चेंज करके मिलती हूँ आपसे। ये देखिए ऐसे रेडी हुई हूँ मैं, और कैसा लग रहा है मेकअप लुक आज का ज़रूर बताना कमेंट करके। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बेस मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तुम्हें यार इतने बगुन वे करता वेट कर रहे थे ये मेरी तारीफ करने की, बताओ तो सही, इधर आओ कम, और आप भी बताओ, देखो आप कितने सावले लग रहे हो मेरे सामने। यार तुम्हारे ऊपर कितना ग्लो है, मेरे ऊपर तो कुछ ग्लो है ही नहीं।
और ये तारीफ है या कुछ और है? तारीफ है लेकिन आप एकदम नहीं नहीं ये ताने मारना हो गया। ताने मारना नहीं हो रहा है, दाद का तो नहीं लग गया ना, ये ताने मार रही है मुझे। ताने नहीं मार रहा है। कैसे लग रही है आपकी बीबी ये तो बताओ। अरे आप पहले से सुंदर हो और मेकअप से और चांद चांद लग गया आपको। ज्यादा हो गया ये भाई, ज्यादा हो गया। माई बताओ कैसे लग रही हूँ? सुपर जवान में। हाँ वो तो है, लेकिन ये ओरिजिनल गोरा है कलर इसका। ये देखो मतलब बहुत ज्यादा गोरी है माई। आप हमसे से बताओ कौन गोरा दिख रहा है? मैं ही दिख रही हूँ अभी मेकअप के बाद। नहीं आप मम्मी दिख रही है। ग्लो कर रहा है ना मेरा फेस बहुत ज्यादा। नहीं यार ये मुझे फाउंडेशन सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो वाला मैक का जो न्यू लिया है मैंने, वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप अच्छे से कोई फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, पक्का इसे लीजिए। तब मैं तो मतलब दिल से मेरे निकल नहीं रहा, इतनी ज्यादा खुश हूँ मैं, इतनी ज्यादा हैप्पी हूँ इसके लिए कि क्या बताऊँ आपको। मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आया है, आप ले सकते हो इसे पक्का। और मैं आप मतलब मेरी खुशी से आपको पता चल रहा होगा और मेरे फेस से भी आपको पता चल रहा होगा। देखो कितना ग्लो कर रहा है ना फेस। और बेस मेकअप अच्छा हो ना तो सारा कुछ मतलब मेकअप ही आपका पूरा अच्छा लगता है। मुझे आज का मेकअप बहुत ज्यादा पसंद आया, मतलब इतना लाइट, मतलब मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं किया है, बहुत लाइट लाइट अप्लाई किया है। अहो मी तुम्हाला म्हणते है मी खूप कमी अप्लाई केलं, मैंने बहुत कम अप्लाई किया और मतलब ज्यादा मेकअप भी नहीं किया, बस आई शेडो हल्का सा लगाया। देखो लग रहा है क्या, कुछ ज्यादा ओवर लग रहा है क्या? कुछ और कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन कम टाइम में इतना अच्छा मेकअप हो गया। अच्छा मेकअप हो गया, क्योंकि अगर आपको कम टाइम में मेकअप करना है ना, इसको ब्लेंड ही नहीं करना पड़ेगा, बस बस डैप डैप करके लगा लो, अपने आप ये ब्लेंड होता है। इतना अच्छा फाउंडेशन है सच में, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा बहुत अच्छा है इसके लिए। नहीं ड्रेस तो अच्छा है यार, ये मैंने मीशो से लिया है। अगर आपको लेना है तो मेरा मैं लिंक दे दूंगी, जो वीडियो में मैंने ये वाला ड्रेस पहन के दिखाया, मतलब जिस इसका रिव्यू जिस वीडियो में किया है ना, उस वाले वीडियो का लिंक मैं आपके लिए दे दूंगी, आप चेक कर लेना। ओह चलो अभी जाते हैं नीचे, आप चेंज करो यार। हाँ चेंज करो आप, माही आप भी चेंज कर लो। सबसे पहले तो मैं ही रेडी हुई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आज। कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है मेरी स्किन, आईब्रो बनाए हुए नहीं है इसी वजह से थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे, आईब्रो बनाए होते ना और भी ज्यादा अच्छा लगता। चलो नीचे चलते हैं, मम्मी को दिखाती हूँ, मम्मी का रिएक्शन देखती हूँ, मतलब पता चले कि मैं कैसी लग रही हूँ, उसको कैसे दिखती हूँ। चलिए चलते हैं नीचे तो। और हाँ इन सारे प्रोडक्ट को अगर आपको परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको नहीं पता है ना कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं इसमें, मतलब इस लुक को क्रिएट करने के लिए, तो वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए नीचे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। दीपाली ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दीपाली की मेहनत देखते हैं, मतलब क्या क्या किया है उसने, क्या क्या बनाया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ये था कि दीदी आनी चाहिए यहाँ पे, तो फाइनली मेरा भी आना हुआ, मम्मी से मिलना भी हुआ, उससे भी मिलना हुआ, सबसे मिलना हुआ, और फाइनली हमारी जो एनिवर्सरी है वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट हो रही है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है, मेरी मम्मी को अच्छा लग रहा है, पापा को, सबको अच्छा लग रहा है, भाई को भी, भाई भी बहुत खुश है, बट उसको अभी टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा वो उसके खेत वाले काम में बिजी है इसी वजह से। देखिए यहाँ पे बनाई है दीपाली ने कचौरी, मम्मी ने भी हेल्प की है, मम्मी ने और दीपाली ने कचौरी बनाई है, और यहाँ पर है ये दही बड़े बन रहे हैं। दीपाली यार रेडी तो हो जाओ आप, मेरा सब कुछ हो भी गया, आपका चल ही रहा है, मम्मी और दीपाली लगी थी अभी तक कामों में। आणि आई कशी दिसत आहे दीपाली, कशी दिसत आहे मी सांग ना। आणि आई ग सांग ना मी कशी दिसत आहे? नाही तसे तसे पण माझे सबस्क्रायबर म्हणतात की माही सूट नाही होत, मला माही पण छान दिसत आहे, पण तू पण रेडी हो दीपा? हा चलो आप जल्दी जल्दी सब लोग रेडी हो जाओ और फिर केक कट करते हैं। और माही ने केक बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला केक है माही ने बनाया हुआ। माही भी एक जेम्स दे दो, माही दे दो बेटा जेम्स, एक दे दो उसको, मैं खिलाती हूँ आपको। हाँ माही तो माही बोल रही हो, अद्विक का तो कचौरी खाना भी चल रहा है।
यहाँ पर है माही का बनाया हुआ केक, और यहाँ पर चल रहा है सब कुछ खाने का बनाने के लिए, मतलब नाश्ते के लिए। ये नाश्ते के लिए नहीं, ये पूरा खाना ही है आज, तो खाना ही नहीं बनाना है। ये दही बड़े और उसके बाद ये कचौरी, इतनी सारी, आज तो कुछ भी बनाना नहीं है अभी खाने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, तो जैसे कि सब्जी रोटी कल बनेगा, कल बहुत अच्छा अच्छा बनेगा सब कुछ। अद्विक अद्विक छान झाली का कचोरी, मला सांग ना कशी झाली कचोरी, कैसी बनी ये बताओ, अच्छी बनी है। देखो दही भल्ले की पार्टी है, दही भल्ले और उसके बाद ये कचोरी। देखिए कचोरी कितनी ज़्यादा बनाई है, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा लगेगी क्योंकि मतलब लोग भी बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पर खटाई बनाई है, ये पूरा दही भल्लों के लिए निकाल के रखा है, यहाँ पे दही बना के रखा है, और अभी मम्मी और दीपाली गई है रेडी होने के लिए, तो अभी जल्दी से वो रेडी होके आएंगे, उसके बाद हम लोग केक कट करेंगे। और यहाँ पर केक भी है, तो ये वाला केक एक 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 जेम्स अद्विक लेके जा रहा है, मतलब जब तक हम लोग केक कट करेंगे ना तब तक देख लेना, अब एक भी जेम्स नहीं रहेगा यहाँ पे। देखो ये चोर अभी फिर से आ गया था जेम्स लेने के लिए, ये ऐसे ये इसने करके दिया आपको ऐसे अपने, वो ऐसे चपटा चपटा ये, और काउंटर टॉप भी पूरा क्लीन हो गया है। वैसे दीपाली ने ये वाली साड़ी पहनी है, कैसे लग रही है जरूर कमेंट करके बताना, ग्रीन कलर की पहनी है। और मैं आ गई थी यहाँ पर उसका मेकअप करके देने के लिए, एक्चुअली वो कर रही थी अपने आप से, बट मैंने सोचा चलो उसका अच्छे से मेकअप करके देती हूँ। वो ना जल्दी जल्दी में मतलब सिंपल सा मेकअप कर लेती है, सिंपल सा ही रहता है उसका, हमेशा मेकअप सिंपल सा ही रहता है, आपने देखा होगा, मतलब ज़्यादा और मेकअप करती ही नहीं है वो। सिर्फ उसको मैंने उस दिन अच्छे से मेकअप करके दिया था, कब जब उसका वो पहले संक्रांत नहीं थी, वो ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है ना जल्दी से देख लीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है वो वाला ब्लॉग। हमने उसकी पहले संक्रांत मनाई थी, तो उस टाइम अच्छे से मेकअप करके दिया था, हेयर स्टाइलिस्ट ने हेयर स्टाइल बना के दी थी। वैसे वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहती है, आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में। बस यहाँ पर वो प्लेट्स वगैरह सबके लिए निकाल रही है, मतलब पहले जेंट्स के लिए निकाल रही है क्योंकि इन्हें लगी थी बहुत ज़्यादा जोर से भूख, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करके घर से निकले थे और वहाँ पर अच्छे से खाना नहीं हुआ हमारा, मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने भी यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि बिल्कुल खाना नहीं हुआ, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग निकले वहाँ से ना, तो इसी वजह से बिल्कुल भी अच्छे से खाना नहीं हुआ था। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पर जब आए तो मुझे भूख लगी थी, तो उस टाइम ही मैंने खा लिया था। यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, बस पापा वगैरह आने के हैं और भाई आने का है बाहर से, तो वो आएगा और फिर सभी लोग ये नाश्ता करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था सब कुछ। मम्मी ने और दीपाली ने मिलकर ये दोनों भी डिश बनाई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, कचौरी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर से कुछ भी नहीं ला सकते हैं, नहीं तो हम लोग बाहर सेलिब्रेट करने जाते, मतलब जैसे कि कहीं होटल में जाते या कहीं पर भी जाते, बट बाहर जाते, बट अभी लॉकडाउन चल रहा है इसी वजह से घर पे भी मैं अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाती थी। अगर वहाँ पर अमरावती में भी हम लोग रहते ना तो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाता था। और वैसे भी काफ़ी दिनों से दीपाली बुला रही थी, उसको याद था कि हमारी एनिवर्सरी है, और उसने उसी टाइम बोला था मुझे कि दी आप एनिवर्सरी के लिए तो भी आना यहाँ पे, एक दिन के लिए तो भी आओ, फिर भी आ जाओ एक दिन के लिए आप यहाँ पे। तो हमने सोचा फिर फाइनली कि आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, मतलब एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट हुई, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा घर वालों के साथ रह के। मतलब हम लोग बोल भी रहे थे बाद में कि घर पे रहते तो बस तीनों चारों मिलके हम लोग सेलिब्रेट करते, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, इनको भी अच्छा लगा, तो अच्छा हो गया हम लोग एक दिन के लिए ही सही यहाँ पर आ गए। वैसे जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो ना उसी दिन हम लोग दोपहर में जाने वाले थे, बट इन्होंने जब उनके ड्यूटी पे कॉल किया तो इनको एक दिन की छुट्टी मिल गई। मतलब अभी जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो उस दिन हम लोग रहेंगे, उसके दूसरे दिन सुबह ही निकल जाएंगे, तो उस दिन का भी आपको ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा, मतलब 27 अप्रैल का भी ब्लॉग आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उस दिन बहुत ही अच्छा अच्छा कुछ बनने वाला है। और यहाँ पर हमारे लिए क्या बोलते हैं, हमारे साइड में पावनचार बोलते हैं, तो वो होने वाला है, तो गेस्टर जो बोलते हैं ना वही, तो वो होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कट कर रहे हैं, कट हो जाएगा केक और सबको खिला देंगे। तो ये हो गई सबके साथ मिलके हमारे एनिवर्सरी सेलिब्रेट, मतलब मायके वालों के साथ, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ससुराल वाले और मायके वाले दोनों भी हैं यहाँ पर मेरे, मतलब ये भी है, मम्मी भी है, और उसके साथ साथ मेरे मायके वाले भी हैं, तो सब लोगों के साथ मैंने मिलके इस बार की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, और वो भी लॉकडाउन में, मैंने सोचा भी नहीं था।
मतलब सुबह तक इतना पता नहीं था कि एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट होने वाली है सबके साथ, बट सडनली मेरे दिमाग में आया कि चलो चलते हैं, और वो भी ना जो हमारे ये कारपेंटर है वो नहीं आए थे आज, तो काम पे उन्होंने छुट्टी ली थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज तो वो आए नहीं है, तो इनको बोला मैंने कि बोल के देखा सिर्फ कि हम लोग चलते हैं क्या, परमिशन है क्या, तो फिर इन्होंने परमिशन ली और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, और बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि हम लोग यहाँ पर आ गए। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग नहीं मिले थे, और फिर मम्मी भी वहाँ पर पूना में जाने वाली थी ना, तो इसी वजह से फिर मम्मी से भी मिलना हुआ, सब लोगों से मिलना हुआ, और अभी मम्मी पूना में जाती तो वहाँ से पता नहीं अभी कब आती यहाँ पे, मतलब अभी लॉकडाउन भी चल रहा है वैसे, अभी मम्मी का भी वही चल रहा है कि अभी वहाँ पर कैसे जाए पूना में, क्योंकि ट्रेन्स भी बंद है और अभी बसेस भी बंद हैं, सब भी बंद हो चुका है, तो इस वजह से उसका भी थोड़ा सा टेंशन ही है अभी जाने का, बट उसे जाना है पूना वहाँ पे, मतलब उनके साथ रहने के लिए, अभी बीच वाला भाई भी बुला रहा है उसे, तो कुछ दिन वो वहाँ पर रहेगी, कुछ दिन मतलब कुछ महीने वो वहाँ पर रहेगी, तो इसी वजह से मुझे लगा था कि अभी उससे इतने महीने मिलना नहीं होगा जब तक वो वहाँ पर रहेगी तब तक, तो मैंने सोचा चलो अभी मिल लेते हैं और सबके साथ टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं, तो बस इसी वजह से आ गई थी। आप लोग भी बहुत बार बोल चुके हो कि दी आप मायके जाओ, कितने दिन हो गए मायके का ब्लॉग नहीं शेयर किया है आपने, आप भाभी से मिलवाओ, मम्मी से मिलवाओ, सबसे मिलवाओ, कितने दिन से यही रिक्वेस्ट आ रही थी। फाइनली मैंने अभी सोच लिया, मतलब इनसे पूछना पड़ता है यार, इनकी ड्यूटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, इनकी ड्यूटी ही ऐसी है, कभी भी मतलब टाइम पे नहीं रहती इनकी ड्यूटी, कभी भी आ जाती है तो कभी भी इन्हें जाना पड़ता है ड्यूटी पे, तो इनका वही एक प्रॉब्लम है, इसी वजह से हमें जाने के लिए नहीं मिलता है कहीं पे। और यहाँ पर पूना वाले भाई ने वीडियो कॉल किया था, तो दोनों वीडियो कॉल पे देख रहे थे, तो क्या होता है कि जैसे कि वो वीडियो कॉल पे दोनों देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि वो दोनों हमारे साथ है, हमारे साथ सेलिब्रेशन में शामिल है, इसी वजह से हम लोग उसे वीडियो कॉल कर देते हैं, और वो दोनों फिर बैठ के देखते हैं लाइव जो भी चल रहा है वो, तो आपने देखा होगा माही के बर्थडे के टाइम पे वैसे ही हमेशा रहता है उसका, और हमेशा वो वीडियो कॉल पे सेलिब्रेशन देखता है यहाँ का, और बस इन्होंने उसे केक लगाया था तो वही वो क्लीन कर रहा है, यहाँ पे ऐसी हंसी मजाक चल रही है, हमारी मस्ती चल रही है, तो बस यही ख़त्म करेंगे और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। हे गाइस, सेलिब्रेशन हो गया है और अभी आए हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ पर किस लिए आए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ये दीपाली की रूम है, दीपाली की रूम में मतलब छोटे भाई की रूम है, तो यहाँ पर आया है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा आगे, आपके आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा कि क्या है यहाँ पर, हम लोग क्या करने वाले हैं, किस लिए आए हैं, सब कुछ आपको पता चलने वाला है, तो इसके लिए आपको आगे के ब्लॉग देखने पड़ेंगे या फिर इसी ब्लॉग में, मतलब इसके नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कैसा लगा सेलिब्रेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, तो इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उससे भी क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे क्या होगा कि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिलेगी, जैसे मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड करूंगी आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसे सबसे पहले देख पाओगे, तो ऑल पे क्लिक करना बेल आइकॉन को जब भी दबाओगे तब, और हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक साथ साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और हाँ अभी तक मेकअप जैसा के तैसा ही है, आप देख सकते हो इतना मैंने खाया फिर भी लिपस्टिक भी नहीं गई और मेकअप भी जैसा के तैसा ही है, मतलब मेकअप प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।